वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काजेज ऑफ इंड ब्रेकेज इन रिंग स्पिनिंग। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम रिंग फ्रेम पे जो हमारा इंड ब्रेकेज होता है, जो यार्न हमारा फॉर्मेशन होता है रिंग फ्रेम पे, वो धागा जो है यार्न जो हमारा ब्रेकेज होता है, इंड्स जो है ब्रेक होते हैं, वो क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ये हम इस पॉसिबल काजेज को इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा यार्न फॉर्मेशन हो रहा है, उस यार्न फॉर्मेशन में हमारा रॉ मटेरियल यानी मटेरियल, मशीन और मैन पावर, ये तीनों हमारे इंक्लूड है। तीनों से के जो है कॉम्बिनेशन से हमारा जो यार्न फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारा रॉ मटेरियल का कंट्रीब्यूशन होता है इंड ब्रेकेज में, या हमारी मशीन का कंट्रीब्यूशन होगा, हमारी फॉल्टी मशीन का कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस इंड ब्रेकेज में, या जो मैन पावर जो मशीन को हैंडलिंग कर रहा है उसकी अनस्किल के वजह से भी इंड ब्रेकेज के कारण हमारे हो सकते हैं। तो वो पॉसिबल जो संभावित हमारे पॉसिबल जो काजेज हैं, उन काजेज को हम इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से काजेज हैं जिसकी वजह से इंड रिंग फ्रेम पे इंड ब्रेकेज जो है होते हैं। तो आइए देखते हैं इस लेक्चर के माध्यम से हम उन पॉसिबल काजेज को जो है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से काजेज हैं जो इंड ब्रेकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिंग स्पिनिंग, आप यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से रिंग फ्रेम आप देख रहे हैं। रिंग फ्रेम में हमारी रोविंग बॉबिन है जो गाइड से पास होते हुए ड्राफ्टिंग यूनिट में पास होती है, और ड्राफ्टिंग यूनिट से ड्राफ्ट होकर के जो ड्राफ्ट हम रिंग फ्रेम पे इंसर्ट करते हैं गियर के माध्यम से, उससे ड्राफ्टिंग होकर के हमारा यहाँ पे यार्न फॉर्मेशन होता है। और ये जो है यार्न किसी कारण से, जो भी हमारे पॉसिबल काजेज हैं उस कारण से हमारा यार्न जो है ब्रेकेज होता है, और ब्रेकेज होकर के वेस्ट में हमारा जो रोविंग फाइबर है, फाइबर जो है वेस्ट के रूप में कलेक्ट हो जाता, और कोई प्रोडक्शन जो है यानी यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, हमारा रॉ मटेरियल का लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो है यील्ड हमारी डाउन होती है, और हमारा प्रोडक्शन भी जो है लॉस होता है, यानी वेस्टेज हमारा जो है बढ़ता है और हमारा प्रोडक्शन भी लॉस होता है। तो इंड ब्रेकेज यानी मिनिमम कम से कम इंड ब्रेकेज रिंग फ्रेम पे होने चाहिए। जितना कम से कम इंड ब्रेकेज होगा उतना ही हमारा रॉ मटेरियल का वेस्टेज यानी वेस्ट कंट्रोल हमारा जो है अधिक होगा, यानी वेस्ट हमारा जो है मेटल का वेस्ट हमारा कम बनेगा। और यील्ड यार्न रियलाइजेशन यानी यार्न जो हमें यार्न जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी यार्न रियलाइजेशन परसेंटेज हमारा ज्यादा होगा, यानी यार्न हमारा ज्यादा बनेगा और वेस्ट कम बनेगा। तो इस केसेस में हम जो है उस जो हम मशीन पे हम मटेरियल की प्रिपरेशन, मशीन की मेंटेनेंस और जो मैन पावर हमारा है वो हम स्किल मैन पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा इंड ब्रेकेज जो है कम से कम हो। बट जो इसके अलावा भी जो हमारे मटेरियल में इरेगुलरिटी रहती है, मशीन में जो हमारे मेंटेनेंस या मशीन की शार्पनेस कम रहती है जिसके वजह से हमारे इंड ब्रेकेज होते हैं, तो उन काजेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम मशीन को जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ड्राफ्टिंग यूनिट है, ड्राफ्टिंग यूनिट से मेटल हमारा ड्राफ्ट होकर के यार्न जिसमें हम ट्विस्ट इंसर्ट कर रहे हैं जो है ट्विस्टेड थ्रेड है, और यही जो है हमारा थ्रेड डिलीवरी और यहाँ पे वाइंडिंग के बीच में जो है किसी कारण से जो है ब्रेक होता है। तो उन काजेज को हम कारण को जो है जानेंगे किस कारण से हमारा यार्न जो है ब्रेक हो रहा है। जनरल काजेज ऑफ इंड ब्रेकेज इन रिंग स्पिनिंग, कौन कौन से जो है जनरल काजेज हैं, जनरल काजेज हैं जिससे हमारा जो है धागा जो है रिंग फ्रेम पे जो हमारा यार्न फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे हमारा इंड जो है ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होता है। एग्जॉस्ट रोविंग बॉबिन, अगर हमारी रोविंग बॉबिन खत्म हो जाती है उस केस में इंड ब्रेकेज जो यानी शो करेगा, इंड ब्रेकेज होगा। ब्रेकेज ऑफ रोविंग, अगर हमारी रोविंग यानी ये जो रोविंग बॉबिन है जिससे रोविंग अनवाइंड होकर के ड्राफ्टिंग यूनिट में आ रही है, अगर हमारी रोविंग ब्रेक होती है तो उस कारण से भी जो है इंड ब्रेकेज हो सकता है। ड्यू टू अनड्राफ्टेड मेटेरियल, अगर हमारा मेटेरियल जो है ड्राफ्टिंग यूनिट से, हमारी जो ये ड्राफ्टिंग यूनिट है
ड्राफ्टिंग इनिंग में अनड्राफ्टेड मेटल अगर डिलीवर होता है तो रिंग फ्रेम पे जो रिंग है, रिंग में जो ट्रेवलर है वहां पे हमारा यार्न जो है कैच होता है, फंसता है और धागा ब्रेक होता है। थिक प्लेसेस इन रोबिंग, अगर रोबिंग में थिक प्लेसेज है उस कारण से भी जो है एंड ब्रेकेज हो सकता है। वीक प्लेसेस इन रोबिंग, अगर रोबिंग में अगर वीक प्लेसेज है यानी थिन प्लेसेज कह सकते हैं, वीक प्लेसेज है उस कारण से भी जो है एंड ब्रेकेज हो सकता है। लैपिंग ऑन टॉप और बॉटम ड्राफ्टिंग रोलर, यानी जो हमारे ड्राफ्टिंग यूनिट है, ड्राफ्टिंग रोलर में हमारे बॉटम स्टील रोलर है, टॉप हमारे कॉर्ड्स रोलर है, अगर इन दोनों में से किसी पे अगर लैपिंग हो जाती है उस लैपिंग के कारण भी जो है एंड ब्रेकेज हो सकता है होगा। ट्रेवलर मिसिंग फ्लाई आउट और रिंग पे, आप यहाँ पे रिंग पे जो ट्रेवलर देख रहे हैं, ट्रेवलर अगर फ्लाई आउट हो जाता है यानी बाहर निकल जाता है उस केस में भी यार्न ब्रेकेज होगा। इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ ट्रेवलर क्लियरर, यानी ट्रेवलर को क्लीन करने के लिए जो ट्रेवलर क्लियरर की सेटिंग है अगर वो इनकरेक्ट सेटिंग है उस केस में भी जो है इंड ब्रेकेज होगा। इनकरेक्ट ट्रेवलर, अगर ट्रेवलर हमारा जो है लो वेट का है, हाई वेट का है, उस केस में भी जो है इंड ब्रेकेज होगा। यानी ट्रेवलर हमारा करेक्ट नंबर का होना चाहिए, करेक्ट अकॉर्डिंग टू काउंट हमारा जो है ट्रेवलर का सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। डैमेज ऑफ रिंग, रिंग डैमेज के केस में भी इंड ब्रेकेज होगा। लैसिंग सेपरेटर नॉट इफेक्टिव, जनरल काजेज और जो हमारे इसके अलावा और भी जो जनरल काजेज हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। स्पिंडल डिफेक्ट, यानी स्पिंडल डिफेक्ट, स्पिंडल की वजह से भी इंड ब्रेकेज हो सकता है। स्पिंडल डिफेक्ट क्या होगा? वाइब्रेशन, वोविंग, इनकरेक्ट सेंटर, यानी जो है इस हमारा जो स्पिंडल है, स्पिंडल में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उस केस में उस कारण भी इंड ब्रेकेज हो सकता है। डबल रोबिंग, डबल रोबिंग के केस में भी जो है इंड ब्रेकेज होगा। डैमेज और मिसिंग एप्रन, जो हमारी एप्रन जो है मिडिल रोलर में हमारी एप्रन, बॉटम रोलर एप्रन और टॉप रोलर एप्रन जो इस्तेमाल की जाती है, अगर उसमें अगर हमारी जो है एप्रन अगर डैमेज है या मिसिंग है उस केस में भी जो हमारी जो है एंड ब्रेकेज जो है हमारा बढ़ जाता है। टॉप रोलर कॉर्ड्स प्रॉब्लम, टॉप रोलर कॉर्ड्स अगर हमारी प्रॉपर नहीं है, क्लीन नहीं है, स्क्रेचेज है, उस केस में भी जो है लैपिंग होगी और एंड ब्रेकेज होगा। यूज ऑफ इनकरेक्ट स्पेसर, जो हम स्पेसर यूज करते हैं दो एप्रन के बीच में स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, अगर इसकी सेटिंग अगर प्रॉपर नहीं है अकॉर्डिंग टू काउंट तो उस केस में भी इंड ब्रेकेज होने के चांसेज है होगा। मिस अलाइनमेंट ऑफ स्पिंडल टेप, और अगर जो है स्पिंडल टेप जो ड्राइव है अगर उसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है उस केस में भी जो है इंड ब्रेकेज होगा। इम्प्रॉपर थ्रेड गाइड लैपेट सेटिंग, अगर हमारी लैपेट की सेटिंग प्रॉपर नहीं है उस केस में भी इंड ब्रेकेज होगा। इम्प्रॉपर ह्यूमिडिटी कंडीशन, ह्यूमिडिटी कंडीशन अगर डिपार्टमेंट की, अगर रिंग फ्रेम डिपार्टमेंट की कम या ज्यादा है उस केस में भी हमारे इंड ब्रेकेज जो है बढ़ जाते हैं। इम्प्रॉपर ट्रेवर्सिंग मैकेनिज्म, एक्सेसिव सॉफ्ट वेस्ट इन मिक्सिंग, और एक्सेसिव सॉफ्ट वेस्ट हम कभी कभी मिक्सिंग में मिक्स कर देते हैं उस केस में भी इंड ब्रेकेज हमारे बढ़ जाते हैं। रीजन फॉर हाई इंड ब्रेकेज रेट, और हाई इंड ब्रेकेज रेट के और क्या जो है रीजन हो सकते हैं? टेंडर नॉट ट्रेंड वेल फॉर पीसिंग आर अनस्किल लेबर, यानी जो मशीन अटेंडर है या मशीन ऑपरेटर है अगर वो प्रॉपर नहीं, प्रॉपर स्किल नहीं है ऑपरेटर की, यानी अनस्किल ऑपरेटर है उस केस में भी जो है एंड ब्रेकेज के रेट काफी हाई होते हैं। इंफीरियर क्वालिटी ऑफ रोबिंग मटेरियल, रोबिंग मटेरियल की अगर क्वालिटी पुअर है उस केस में भी एंड ब्रेकेज रेट हमारा बढ़ जाता है। इम्प्रॉपर पोजिशन ऑफ क्रील विच एक्सर्ट मोर टेंशन टू द रोबिंग, इम्प्रॉपर पोजिशन ऑफ क्रील, यानी जो हमारी क्रील है, क्रील की का अलाइनमेंट, क्रील हमारी प्रॉपर पोजीशन में नहीं है उस केस में भी जो है रोबिंग टेंशन जो है बढ़ता है। रोबिंग टेंशन बढ़ने से ब्रेकेज का लेवल बढ़ सकता है, रोबिंग ब्रेक होगी और यान में इंड ब्रेकेज होगा। इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिंग एंड ट्रेवलर, हम जो है यान का ब्रेकेज जो है अगर सिलेक्शन हमारा प्रॉपर नहीं है रिंग और ट्रेवलर का उस केस में भी हमारा इंड ब्रेकेज जो है
होगा, इंड ब्रेकेज रेट बढ़ जाएगा, हाई ह्यूमिडिटी इन डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में अगर ह्यूमिडिटी का लेवल हमारा प्रॉपर नहीं है उस केस में भी जो है इंड ब्रेकेज हमारा बढ़ जाएगा। एनी ह्यूमिडिटी का लेवल ज्यादा है तो हमारा उस केस में भी जो है लैपिंग प्रॉब्लम होगी और जो है इंड ब्रेकेज हमारा बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पॉसिबल काजेज है रिंग फ्रेम में इंड ब्रेकेज के। मैं समझता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से जो आप इंड ब्रेकेज है रिंग फ्रेम में, इंड ब्रेकेज के काजेज है, उसका आप अच्छी तरीके से जो है इस लेक्चर के माध्यम से समझ गए होंगे। थैंक यू।